हम हर प्रोग्राम में राजस्थान के किसी ना किसी कलाकार को बुलाते हैं। अब की बार हमारे बीच में है रोकी मारवाड़ी। आपने उनका एक देखा होगा पानीपत का युद्ध किस किस के मध्य हुआ होगा, और जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ और इनकी जो कॉमेडी है, मुझे लगता है कि ये जल्दी ही 1 MM का आंकड़ा छुएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई एडवांस के अंदर। और फोटो की मुस्कान देखी, आगे कौन है? सुनील स्वामी। फोटो की मुस्कान देखी, आंख के आंसू देखे, वाह, फोटो की मुस्कान देखी, आंख के आंसू देखे, हमने दुनियादारी के सारे पहलू देखे, जिसकी एक झलक पाने को सब पागल है, उस जादूगरनी के मैंने सारे जादू देखे। वाह, बुला रहे हैं, विशेष मेहमान है वो। हाँ, आगे रॉकी मारवाड़ी को बुला रहा हूँ। हाँ, चाहत में शायद नया कोर्स जो लॉन्च करेंगे, ज्यादा करता नहीं, 2-2.5 लाख का हुआ है, उतर दे। चाहत में अकिए है, चाहत में बेवफाई के इंतकाम बहुत है, हर शख्स यहाँ दिल लगा के परेशान बहुत है, जिसने वफा के नाम पर मुझे दगा दिया, सुनते हैं आजकल वो परेशान बहुत है। रोकी मारवाड़ी अंतिम, जो हमारे बीच जोधपुर से मारवाड़ की धरती से पधारे हैं। अनर्जी पूरी लगाओ जाए, खाने की व्यवस्था है बाद में। हमें पछाड़ते क्या हैसियत तुम्हारी थी, वो जंग तो तुम भी ना जीते जो हमने हारी थी, आजकल वो शख्स तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, गए दिनों यही हालत हमारी थी। वाह, राम राम भैया। मैं रॉकी मारवाड़ी बड़ों को प्रणाम करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, ये स्टेज का सामना मैं पहली बार कर रहा हूं, तो थोड़ा सा कांप रहा हूं। आप मेरे शब्दों पे जाने की कोशिश ना करें, मेरी भावनाओं को समझें। ठीक है, तैयार है, मतलब मेरी भावना पे ध्यान दें। सॉरी, आप अपनी भावना पे ध्यान दें। भावना से याद आया कि इश्क में बिगड़ गए थे हम थोड़े बहुत। वाह वाह, कि इश्क में बिगड़ गए थे हम थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। सॉरी, हम इस टाइप के आशिक नहीं है, हम थोड़े पुराने मिजाज के हैं। क्यों सुभाष जी? तो हम किस टाइप के आशिक हैं कि खुद खुशी एक बहाना था। आहा, कि खुद खुशी एक बहाना था, जिंदगी को सबक सिखाना था। वाह, वो मेरी आखिरी मोहब्बत थी, मुझे हर हाल निभाना। वाह वाह, शायरी कैसी रही? शायरी से याद आया सुभाष जी सर, आई लव यू। वाह, क्या शायरी मारते हो भाई, मैं फैन हूं इनका। हैं? आपके सर बहुत ऐसे चुलबुले प्यारे सर हैं, सर तो हमारे हैं मगजी। तो सुभाष जी के अंदर मगजी की आत्मा घुस जाए। आप सभी घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करोगे। और सर, हाँ, पानीपत वाला डायलॉग बोल दो। हाँ, तो मुझसे पूछा गया कि पानीपत के युद्ध का वर्णन करो, तो मैंने कहा कुछ सैनिक उधर से आए, कुछ सैनिक इधर से गए, दोनों की भिड़ंत हुई खतरनाक, तलवारें चली चपा चप, बाले खुपे खपा खप, गर्दने कटी गपा गप, लोई बाल लपा लप, फिर सर ने दे धड़ा धड़। थैंक यू सो मच, इतना प्यार और इज्जत देने के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूट्यूब कलाकार है और बहुत अच्छा बोले हो आप प्रोग्राम में, रास्ता में बहुत अच्छा नाम है। तो कॉमेडी देखी आपने और बहुत शानदार कॉमेडी करते हैं, बहुत गजब की कॉमेडी, ताड़ियां बजाओ एक बार इनके लिए। थैंक यू थैंक यू। हाँ आगे लुणजी, लुणजी आगे लुणजी। ओके ओके बाकी यूट्यूबर देख लिया क्या मित्रों यहाँ। हाँ आगे अगला कार्य